वंदे मातरम साथियों, मैं शालिनी वर्मा पूरे लोटस रेखी परिवार को अक्षय तृतीया की ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही ईद की सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ सभी का त्योहार मंगलमय रहेगा। आज अक्षय तृतीया है तो आज माँ लक्ष्मी का दिन है, भगवान विष्णु का दिन है, परशुराम जी का दिन है। तो आज आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे खास बातें बताने जा रही हूँ जो आज के दिन आप करेंगे। आज के दिन कहते हैं माँ लक्ष्मी की अगर पूजा अर्चना की जाती है, माँ लक्ष्मी से जुड़ी चीजों को यदि खरीदा जाता है तो साल भर हमारा घर उन सारी चीजों से भरा रहता है। यही कारण है कि आज के दिन सोने चांदी की खूब खरीद की जाती है, खूब लोग सोना चांदी आज के दिन खरीदते हैं, माँ लक्ष्मी की भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं आज के दिन। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ही खास चीजें बताने जा रही हूँ जो आज के दिन आप कर सकते हैं। आज के दिन यूं तो सोना चांदी खरीदने का विधान होता है, माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई चीजें हैं, ज्वेलरी खरीदी जाती है, सिक्के खरीदे जाते हैं। लेकिन अगर वो लोग जो आज के दिन सोना या चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं तो आज के दिन वो क्या खरीद सकते हैं, जौ ले सकते हैं। जौ का दान भी आज के दिन सोने के बराबर ही होता है। आज के दिन न सिर्फ चीजें खरीदी जाती हैं बल्कि दान किया जाता है। दान करने का बहुत महत्व शास्त्रों में बताया गया है। किस चीज का आप दान कर रहे हैं, अन्न का दान कर रहे हैं, आप आभूषणों का दान कर रहे हैं, कपड़ों का दान, किस चीज का आप दान कर रहे हैं, उसका अलग अलग महत्व शास्त्रों में बताया गया है। तो जो लोग सोने चांदी की चीजें आज अक्षय तृतीया पे नहीं खरीद सकते हैं तो उनके लिए खास उपाय है कि वो जौ खरीद लाएं। आज माता लक्ष्मी को पूजन करते हुए, उनको नमन करते हुए आज के दिन अच्छे मन से जौ लेकर आए। जौ जितनी भी आप खरीद के लाएं उसके तीन भाग कर लें, तीन हिस्से आपको कर लेना है। पहला जो हिस्सा आपने किया है उसको घर में कहीं भी बो दें, आप उसको किसी गमले में डाल दें मिट्टी में और बो दें, उसको उग जाने दें। जौ को कहीं भी आपको लगा देना है, एक हिस्सा। दूसरा जो हिस्सा है वो डोनेट करने के लिए आपको निकाल देना है। आज के दिन जौ का किया हुआ दान स्वर्ण के, सोने के दान के बराबर होता है। तो आपने जौ का जो दूसरा हिस्सा निकाला है वो दान करने के लिए निकाल देना है। तीसरा हिस्सा जो आपने जौ का निकाला है, माँ लक्ष्मी को नमन करते हुए उस वाले जौ को मंदिर में रखें, उसकी पूजा करें, साथ ही उसमें मिला दें कुछ सिक्के, अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना चाहे सिक्के उसमें मिला दें। अब जौ और सिक्के दोनों को लाल रंग के कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बनाएं और घर में जहां भी आप पैसा रखते हैं, आपके लॉकर में, अलमारी में, कहीं भी उसको आपको रख देना है। साल भर यह आपका रखा रहेगा। देखिए, चमत्कार किसी भी रेमेडी से एक दिन में नहीं होता है। जब हम लगातार इन उपायों को करते जाते हैं पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ तो धीरे धीरे जीवन हमारा परिवर्तित होने लगता है। तो ये ऐसा ही उपाय है जो आपके घर में मनी का फ्लो, माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनाए रखेगा साल भर। तो आपको अपने लॉकर में उसको रख देना है। तो ये है पहला उपाय जो कि आप, अगर मनी फ्लो आपके घर में नहीं है तो आप ये करेंगे जौ का तीन हिस्सों में बांटकर। दूसरी चीज जो आज आपको करनी है वो ये कि घर के ईशान कोण में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो आपका घर का हो, वहां पर आज आपको जलाना है एक घी का दिया। घी का दिया आज आप जलाएं, पर आज आपको बाती जो लेनी है वो रुई की जगह आप लाल रंग के धागे की बाती लेंगे और घी में थोड़ा सा डाल देंगे केसर, थोड़ा सा केसर मिला हुआ आज दीप जला दें शाम के समय माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हुए। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आज आपको घी का दीपक रखना है शाम के समय में। तो ये दो खास उपाय हैं जो माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप करेंगे। इसके अलावा जो आज आप कर सकते हैं वो ये कि माँ लक्ष्मी के मंदिर में या तो गुलाब के लाल फूल ले लें, ताजे लाल फूल ले लें, या फिर गुलाब की अगरबत्ती ले लें, गुलाब की खुशबू वाली अगरबत्ती ले लें, और या फिर गुलाब का इत्र ले लें, गुलाब का ऑयल जो आता है वो आप ले लें, गुलाब की खुशबू वाला। तो ये तीनों चीजों, आप चाहे तो तीनों भी चीज कर सकते हैं, या फिर कोई भी एक चीज ले लें। गुलाब की अगरबत्ती तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगी, फूल भी मिल जाएंगे लाल रंग के,
इन तीनों चीजों को लेकर आज माता लक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित करते हुए उनसे निवेदन करें कि माँ अपनी कृपा मेरे जीवन में मेरे परिवार पे बनाए रखें। तो आज के दिन इतना जरूर कर लीजिए, माँ लक्ष्मी के मंदिर जाकर उनको इन तीन चीजों का या फिर तीनों में से किसी भी एक चीज का अर्पण जरूर कर दें, माँ को अर्पित करते हुए उनसे निवेदन कर लें। तो इससे मनी की सारी समस्याएं आपकी धीरे धीरे माता लक्ष्मी की कृपा से सॉल्व होने लगेंगी। अब आज का दिन अगर जिनकी शादी नहीं हो रही है उनके लिए भी खास है। तो जिनकी शादी नहीं हो रही है वो आज एक खास उपाय ये कर सकते हैं कि आज के दिन शिव मंदिर में जाकर मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का घड़ा ले लें, मिट्टी की सुराही ले लें, उसको भगवान शंकर के मंदिर में भगवान शंकर से प्रार्थना करते हुए दान कर दें। जब आप मिट्टी का कोई भी बर्तन या कुछ भी, अगर कुछ बड़ा नहीं मिल पा रहा है तो छोटी सी सुराही लेकर दान करें और कुछ बांट भी दें। जो मंदिर के आसपास अगर आपको लोग मिले तो मिट्टी का कुछ भी उनको बर्तन या घड़ा या सुराही कुछ भी बांट दें। इससे आपके शादी में जो भी बाधाएं आ रही होंगी वो बाधाएं जरूर दूर हो जाएंगी। आप अगर किसी से लव मैरिज करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन से करना चाहते हैं, तो लव मैरिज के भी आपके चांसेस बनेंगे। पर इस उपाय को आपको शिव मंदिर में आज के दिन करना है, सुबह से लेकर शाम तक कभी भी जब आपको समय मिल जाए आप इस उपाय को कराएं, सारी अड़चनें शादी में आने वाली दूर हो जाएंगी। तो ये भी एक बहुत खास उपाय है जो आज के दिन आप करेंगे। आज के दिन जो है ना, अनाज को दान करने का बहुत महत्व होता है। आज के दिन जरूरतमंद जो लोग होते हैं उनको उनकी जरूरत का सामान दान करने का बहुत खास महत्व होता है। जैसे कि किसी के घर में पंखा नहीं है तो आपने, जैसे फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं तो आपने उनको जो भी उनकी जरूरत का आपको लग रहा है कि इनको ये चीज जरूरी है तो उनको वो दान कर दें। पीने के लिए आप चाहें तो उनको भी आप मिट्टी का कुछ दान कर सकते हैं, मतलब पानी भरने के लिए कुछ घड़ा या कुछ बर्तन दान कर दें, या और कोई गरीब दिखते हैं तो पंखा दान कर दें, कूलर दान कर दें, आपको जो चीज ऐसी लगे, अनाज दान कर दें। अनाज तो आज आपको करना ही है, तो जो भी चीज आज आपको समझ में आ जाए कि ये इसकी जरूरत की हो सकती है, वो जरूरत की चीजें आज के दिन जरूरतमंदों को दान करें। आज के दिन किए जाने वाले दान का बहुत खास महत्व होता है। जितना आप दान करेंगे वो कई गुना होकर लौट कर आपके ही पास आ जाना है। तो ये सारी चीजें आज आप अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की कृपा रहेगी आपके ऊपर सारे साल भर, पूरे साल भर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग आज ये उपाय करेंगे और साल भर माता लक्ष्मी की कृपा पाते रहेंगे। मैं शालिनी वर्मा अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और मेरा नमस्कार।